हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पाव भाजी की रेसिपी। ये पाव भाजी की रेसिपी आज हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में बनाएंगे, तो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों को लिया है। पाव भाजी बनाने के लिए हमने इन इन चीज़ों को लिया है। यहाँ पर हमने लिया है टमाटर, इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। फिर हमने लिया है यहाँ पर गोभी, इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे। और हमने यहाँ पे लिया है कैरेट और कैप्सिकम, इसको भी फाइनली चॉप करना है। फिर यहाँ पे हमने लिया है पीस, ये फ्रोजन पीस हैं और ये ऑलरेडी थोड़े से बॉइल्ड होते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया है पोटैटो, इसको भी बॉइल करके अच्छे से मैश कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे लिया है अनियन, इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें कुछ लेमन जूस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने लिया है बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ मसाले लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी, कसूरी मेथी, चाट मसाला और धनिया पाउडर। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया। यहाँ पे आप एक बड़ा तवा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पैन ले लिया है, इसमें हमने ऑयल डाला है। आप सोच रहे होंगे कि हमने ऑयल क्यों लिया है, तो हम आपको बताते हैं कि बटर हम लोग बाद में यूज करेंगे क्योंकि हमको बटर को पकाना नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम लोग इसमें ये जो हम लोगों ने कैप्सिकम और कैरेट को काट के रखा था, इसको डाल देंगे। हमें इसे फ्राई करना है। सब्जी को फ्राई करते समय हमें अपने गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम लोग इसमें हमारे जो हम लोगों ने गोभी ली थी, इसको भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो गोभी लें और चाहें तो ना लें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी ले सकते। अब हम लोग इसको भी फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के लिए इसको ढक देंगे जिससे कि हमारी सब्जियां जो है वो पक जाए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियां जो है वो पक गई हैं कि नहीं। हमारी सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट पक गई है। अब हम लोग इसमें हमारे मटर को ऐड कर देंगे। मटर को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं कि नहीं। अब हमारी सब्जियां जो है वो फ्राई हो गई हैं। अब हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम लोग इसमें सॉल्ट डाल देंगे जिससे कि हमारा टमाटर और सब्जियां जल्दी से पक जाए। सॉल्ट डालते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे बटर में भी सॉल्ट होता है, इसलिए हमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। अब इसको हम लोग पका लेते हैं हमारी सब्जियां पक गई कि नहीं। हमारी सब्जियां पक गई हैं। अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पाव भाजी मसाला 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी और
और बहुत थोड़ा सा चाट मसाला। इन सबको डालने के बाद हम लोग सारे मसाले को मिला लेंगे अच्छे से। अब हम लोग इसी टाइम पे अपना हमारे बटर को भी ऐड करेंगे। पाव भाजी में बहुत ढेर सारा बटर जाता है। ये बटर अब हमको इसे बहुत अच्छे से मैश करना है। हम लोग पोटैटो मैशर ले लेंगे और इसको खूब अच्छे से मैश करेंगे। इस समय हम लोग अपना फ्लेम लो कर देंगे और इसे खूब अच्छे से मैश करेंगे। इसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन इसको अच्छे से मैश करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने सब्जियों को मैश कर लिया है। अब हम लोग इसमें पोटैटो डालेंगे। पोटैटो को डालने के बाद फिर हमको इसे और अच्छे से मैश करना है जिससे कि हमारी मसाले की खुशबू हमारे सारी सब्जियों में अच्छे से चली जाए। आप चाहें तो आलू को पहले भी ऐड कर सकते हैं लेकिन पहले सब्जियों को मसाले के साथ मैश कर लेने से उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो हमने इसलिए पहले सब्जियों को मैश कर लिया, उसके बाद हम लोग पोटैटो डाल के उसको मैश करेंगे। अब हम लोग पोटैटो मैशर से अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से एक दूसरे में मैश कर लेंगे। और आपको लग रहा होगा ये अभी थोड़ा ड्राई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग इसका तड़का बनाएंगे तब हम लोग उसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां कितनी अच्छे से मैश हो गई हैं। अब हम लोग इसको एक बोल में निकाल लेंगे, इसका तड़का तैयार करते हैं। आइए चलिए। अब फिर हमने वही पैन ले लिया है, अब हम लोग पाव भाजी का तड़का तैयार करेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बटर डालेंगे। ध्यान रखना है कि बटर जलना नहीं चाहिए। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए तब हम लोग इसमें हमारा जो प्याज काट के रखा था उसमें मैंने दो हरी मिर्च भी ले ली है। वो स्टार्टिंग बताना मैं भूल गई थी, मैंने दो हरी मिर्च ले ली है और प्याज को अच्छे से काट लिया है। आप चाहें तो प्याज यूज करें और नहीं आप नहीं खाते हैं तो ना यूज करें। हम लोग प्याज को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब कि हल्का सुनहरा हो जाए, बस उतने ही टाइम तक इसको फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। इसको इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। आप खाते हैं तो करें और नहीं खाते हैं तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। बस हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम लोग इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट, ध्यान से डालिएगा क्योंकि हर जगह सॉल्ट यूज हुआ है और बटर में भी सॉल्ट होता है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। हल्का सा भूनेंगे, हमारे मसाले जो है वो पक जाएं। आप चाहें तो इसी समय इसमें फ्रूट कलर भी यूज कर सकते हैं बट मैंने नहीं यूज किया है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें हमारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हम लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से मैशर से मैश कर देंगे।
अब इसी समय हम लोग अपना लेमन जूस भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी ऐड करेंगे जिससे हमारी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ्लोई हो जाए। पाव भाजी में जैसे फ्लोई बनाने के लिए हम लोग इसको पानी ऐड करेंगे। बस हमारी भाजी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है और बहुत अच्छी बनी है। बस अब हम लोग इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसको मिला लेते हैं। अगर आपको इससे थिक खाना अच्छा लगता है तो आप थिक भी कर सकते हैं। अगर इसको आपको और फ्लोई करना है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। हमारी भाजी जो है वो बनके रेडी है। अब हम लोग अपने पाव को सेक लेंगे। इसके लिए हमने एक तवा ले लिया है। इस पे हम लोग बटर लगाएंगे सबसे पहले। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए तब हम लोग की थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। और फिर अपने पाव को डालकर सेक लेंगे। अभी आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। इसको फ्लिप करके हम लोग दूसरे साइड से भी हल्का हल्का सेक लेंगे। दोनों साइड से हमारा पाव जो है वो अच्छे से सिक गया है। बस हम लोग गैस बंद कर देंगे और पाव को निकाल देंगे। तो लीजिए हमने पाव को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पाव भाजी कितना ही टेस्टी बना है। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे अलग से बटर भी ऐड किया है। अगर आपको बटर पसंद है, जैसे मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें अलग से भी बटर ऐड किया है। आप इसमें अलग से बटर ऐड करिए और इसको खाइए और इसको एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।